नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं ब्लैक पेपर के बारे में, काली मिर्च। काली मिर्च, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे रसोई घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली एक गर्म मसाला है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काली मिर्च क्या है? दोस्तों, काली मिर्च हमारे रसोई घरों में मसालों के रूप में इस्तेमाल होती है। काली मिर्च एक सूखे बीज के रूप में काले रंग की होती है, जो कि खाने के स्वाद को थोड़ा सा तीखा बना देती है। काली मिर्च का उपयोग सिर्फ रसोई घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। काली मिर्च एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि वात और कफ दोष में काफ़ी कारगर है। ये खाने में तीखी होती है, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। दोस्तों, काली मिर्च को गोल मिर्च भी कहते हैं और इसकी खेती ज़्यादातर हमारे इंडिया के साउथ स्टेट्स में अधिकांशतः की जाती है। काली मिर्च के जो पौधे हैं, मुख्य रूप से जब इसके फल सूख जाते हैं तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, तब इसे निकाला जाता है। काली मिर्च की तासीर काफ़ी गर्म होती है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल अधिकांशतः हम ठंडियों में ही करते हैं। हालांकि गर्मियों में भी यूज होता है, बट ठंडियों में इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म है। काली मिर्च हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। तो दोस्तों, यदि हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो काली मिर्च के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। हमारे बालों के लिए भी काली मिर्च काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। हमारे पाचन तंत्र को ये चुस्त दुरुस्त करता है। काली मिर्च की तासीर, जैसा कि हम पहले बताए हैं, कि गर्म होती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी सही रहता है, काफ़ी तेज हो जाता है। इसे गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ हो जाएगा। इसे अधिकांशतः हम ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं। सर्दी हो या जुखाम हो, इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होता है और ये हमें काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचाता है। काली मिर्च जो है वो श्वसन संबंधी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या अपचन का प्रॉब्लम है आपको, वेट लॉस करना है इत्यादि, इन सारे चीज़ों में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी कारगर भी है। दोस्तों, काली मिर्च का चाय पीने से हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले तत्व हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। काली मिर्च हमारे हृदय के लिए और माइंड के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। ये हृदय को और दिमाग की कार्यशीलता को काफ़ी एक्टिव कर देता है। इसका उपयोग शुगर में और कैंसर दोनों में ही किया जाता है। ये काफ़ी इन समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। काली मिर्च, यदि हम तनाव में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, या हमें पाचन संबंधी किसी भी तरह की समस्या है, तो ये काफ़ी लाभकारी है। इसका जो उपयोग है, इसके उपयोग से हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही हो जाती है, और कम यदि अधिक है तो कम हो जाती है। ज्वाइंट पेन हो, इन सभी प्रॉब्लम से, जैसे ज्वाइंट का प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द हो, उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पाचन शक्ति को सही करती है और भूख भी बढ़ाने में कारगर है। तो दोस्तों, हमने जाना काली मिर्च के बारे में और ये कितना बेनिफिशियल है, इसलिए इसको आज ही अपने घर में लाइए और इसका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे काली मिर्च का उपयोग कैसे आप करें, ताकि अलग अलग समस्याओं में हम इसका इस्तेमाल करके हम अपने हेल्थ को सही कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।